A jsem mi zbyt zatím hodil, o jsem mi zhodil na... Zatělo jsem mi o to, o to se hledat, kde měl den. Lekin zatělo, o to pakárky nebude. Murci bná gají ten pár, pali je Sivzi, kým mera důr padeja. Sivra se no, lukaj na pnáhle na bí vzde se na tě, bolí a tě Sivzi ko mindr kde, a tě 30 vaj 30 ke zhega chod dí je. Chod dí na, bí ka bád mera program bane dí na. Pali, o dachav dí dí o zatím. Zatím dí na, pas bolí a kde o to, pali kde o. नमस्कार, मैं तारचंद और आप देख रहे हैं नवलगढ़ एक्सप्रेस। ऐसे देवी देवताओं के अनेकों चमत्कार है वो आपने देखे होंगे, ऐसे अनेकों सूचनाएं भी हैं वो मिलती रही कि आज यहाँ ये चमत्कार हुआ है। ऐसे एक चमत्कार उदाहरण को लेकर हम नवलगढ़ के जाजर गांव में पहुंचे हैं, जहाँ कहा जाता है कि जो जाटी है, यूँ कहें कि जो खेजड़ी का वृक्ष है, उसके अंदर से गणेश जी है वो प्रकट हुए हैं। मान्यताएं हैं वो चारों ओर फैली हुई हैं। मंदिर में हम जब यहाँ पहुँचे तो हमने भी ये देखा कि मंदिर के अंदर वास्तव में एक ऐसा मंदिर है जहाँ गणेश जी हैं वो विराजमान हैं। दिखाते हैं आपको मंदिर की ऐसी अनेकों कैसी मान्यताएं हैं वो प्रचलित हैं, और वास्तव में क्या वो जो हमने आपको बताया कि वास्तव में उस वृक्ष के अंदर गणेश जी है वो निकले हैं। वो वृक्ष है खेजड़ी है जिसे कहा जाता है, उस खेजड़ी में जो गणेश जी हैं वो विराजमान है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा जूम करके वो दिखा दीजिए कि किस प्रकार ये गणेश जी की आकृति के रूप में ये मंदिर में जो विराजमान है। ये मैं बातचीत करूं पर्सनली आपको बता दूं कि नवलगढ़ जो उसके अंदर एक ग्राम पंचायत है झाझड़, उसी में ये मंदिर है वो बना हुआ। मंदिर को लेकर अनेकों कथाएं हैं पुरुष, मैं यहाँ के जो महाराज हैं उनसे भी बातचीत करता हूँ और आपको ये जानकारी उपलब्ध ये करवाऊंगा कि किस प्रकार की मान्यताएं हैं, किस प्रकार का ये चमत्कारी है वो मंदिर। आज दूर दराज से क्षेत्र में यहाँ है लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि मंदिर है उसकी स्थापना कैसे हुई, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, क्या ऐसी मान्यताएं हैं, यूँ कहे कि जो चमत्कार है वो किस प्रकार हुआ, कुछ बताइए इस मंदिर के बारे में हमें भी। ये मंदिर तो 2007 में जगह छोड़ी गई और 2009 में जाटी में मूर्ति स्थापना हुई, और जी के बाद में 2011 और जी के बाद में बोलो मारो चालू को, और यात्री भी दूर दूर का अवला गए हटेगा नहीं, दूर लखमगढ़ रामगढ़ सीकर का नहीं फतेहपुर गुरु की साउथ साइड का यात्री अवला गए उदयपुर वाटी नीम का सामान चैन मिल गया सर यात्री हमें। ये जो जाटी के अंदर है वो कब निकले अपने जी? उससे पहले वो ही निकले 2009 में, शुरू में दर्शन वही दिया था टेल हुई तो पहली बार क्या पता लगी हुई चीज़, पहली बार ये हुई कि मैं क्या देखा छोटी कोई शिव जी को मंदिर बनाओ ने ना वो मंदिर बनाओ कोशिश किया अट्ठी झाटी कमाने और दर्शन दे दियो पहली जना पहली और देख लिया जना लोग थारी हैं सियाड़ा जी मिला के तो पहली गणेश जी को ना शिव जी ने छोड़ पहली गणेश जी को मंदिर बनाया अभी के बाद शिव जी को बनाया पर मैं सगे लगता ही बने रहे मूर्ति एक सगे मिले तो नहीं कड़ा कड़ा हुए लोग आ जाए अटने आप लोग का मैं सीख कर सागत हैं रोसल सही का मैं अरे अटने नीम का सना दूध सही का खंडेला बिकानेर का भी आएगा ठीक है अटने चूरू विसाउ ऐ गांव का भी हमें अरे अड़ोस पड़ोस का तो हमें इसका हमें ही बाकी दूर दूर का आदमी भी अवला गई थी। मंदिर में जो मेड़ो है वो भी भरे कब भरे वो बाद में सोच ने भरे फिर मैं कदा लोग तो वो दस हजार के ऊपर ही जाए चले जाएंगे आदमी 10,000 से ऊपर ही जाएंगे एक बड़े वो मूर्ति स्थापना के लिए लोग दूर दराज का हो इन देखने के लिए असंभित कोने में गए असंभित भी जाति में हो रही हो वो असंभित हो रही हो ना जाटियों वाले समझ ओ तो ओ तो सगाई का कठिन मेल दें तो लेकिन जाटियों वाले की ओ पाकार के हैं मुझे मूर्ति बनाए जी टाइम पर पहले ये शिवजी की मेरे दूर पड़ेगा ये शिवरात्रि नो लोग हैं अपने ना बी वजह से ना के बोला डे शिवजी को मंदिर के लिए आ के 30 बाय 30 की जगह छोड़ दी है छोड़ दी ना बी के बाद में प्रोग्राम बने ना पहले वो दशाव दे दियो जाटी में दे पैसे बोला करो तो पहले करो गणेश जी महाराज बेटा पहले पहली मंदिर को काम सागे चालू कर दियो पर दोनों की मूर्ति सागे ही।
पहली बार देखियो अपने बैंक में वो केंद्र भी की बच्चे बात देखियो देख रहा बात देख रहा हुआ पापा ने बोले क्यों भाई नहीं काटने के लिए तो 5-4 वर्ष में बहुत कोशिश करी नीचे पेड़ा में करोता लगा रहे के काट में अभी गट्टा को मैंने आगे ने काटे दी पूरी जाट काटे दी थोड़ी सी छोटी दी है पण पूरी रास तक बीच में आ गई रास तक काट पर कोशिश कर गाड़ा वाला अरे हमारे को प्रस्ताव भी आया लेकिन अपन ने कटी कटी को नहीं ओ काट मत देखो नहीं कटे के बैठ के मान ओ क्यों बोलवा दियो देखो अपन बुढ़ा सी देखिए कोशिश कर लेकिन अब काट नु बन जी का ने तो कोई हाथ लगायो इका नारियल बन रहे बन रहे मन तो वो दासरिया वो आपकी श्रद्धा से के हिसाब से वो मान रहे के छकल पूरी जाए और बाकी इच्छा ही बहुत बहुत आदमी पूरी भी है और बहुत आदमी है इच्छा पूर्ति हो जाए बाद में लोग पधारी में भी सामूहिक पधारने वो नारियल बनने की को मतलब नारियल बनने पर से मुंह से कह दिया कि भी तेरे 5-100, 200-500 तेरे क्यों भी कर जाएगा मैं तो 20 साल में खेला के नारियल लटके रहो काम पूरा है ना वो एक ही पूरी कर जाए आपकी इच्छा पूरी हो एक ही भी कर जाए वजह से आदमी बहुत आदमी हमें शादी ब्याह के लिए बहुत ही बढ़िया है मतलब लोग संबंध बनी हो रही है शादी संबंधी जब कोई को भी ब्याह खोनी हो रही है बच्चे को ब्याह खोनी हो रही है तो ब्याह को मतलब की नाले बांध दिया मेरी शादी ब्याह मैं कर दू चलो एक इच्छा पूरी हो जाए ना वो नाले आपने को नहीं चले देखो तो साल में कोई भंडारा वगैरह भंडारा तो 88 में और कोई दूसरा भंडारा बंद करे ये 8 पुजारी करे हमने बातचीत की उन्होंने बताया कि जो पहले इस मंदिर के लिए जो जगह छोड़ी गई थी वो शिव मंदिर के लिए छोड़ी गई थी लेकिन बाद में जैसे इस वृक्ष के अंदर ये गणेश जी महाराज है वो प्रकट हुए उसके बाद यहाँ गणेश जी की स्थापना है वो क्योंकि दूर दराज से लोग आए उन्होंने इस जगह को देखा उन्होंने बताया कि हाँ वास्तव में ऐसा गणेश जी की आकृति का ये है उन्होंने सबकी इस जो वृक्ष जिस पेड़ के अंदर से निकला वो काटने की कई बार पहले है वो कोशिश के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा एक बार ये प्रस्ताव है वो भी आ चुका था लेकिन बाद में मान्यताएं बढ़ती गई और ये मंदिर का विशाल रूप है वो भी बढ़ता गया और लगातार बातचीत करें तो उन्होंने बताया कि हर बुधवार की बुधवार जिसे गणेश जी का वार कहा जाता है उसी वार को लेकर लगभग 1500 से 2000 श्रद्धालु है वो इस मंदिर में है पहुँचते हैं लोगों की ऐसी अनेक मान्यताएँ हैं शादी विवाह के समय मंदिर के जैसे पुजारी ने बताया कि कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं कि जिसमें अगर किसी युवक का विवाह नहीं हो रहा तो ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ नारियल बांधने से उसकी मनोकामना है वो पूरी होती है जैसे ही उस व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं वो नारियल है अपने आप है वो नीचे आ जाता है मतलब